चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे न बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे न बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनो, वो साथ तुझे ले शगुन का सामान है। ये तो मनोज जीजा जी के साथ में जाना था, ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? बंटी बहन जी पता है आपको कुछ? मैं तेरे से बहस करने नहीं आऊँ, मनोज के घर जा रहा हूँ शगुन का सामान लेके, पता नहीं क्या सोच रहे हमारे बारे में। चलना है तुझे? धन्यवाद बहन जी, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नहीं तो? तो फिर पैर क्यों हिला रही हो? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? तुम्हारा ध्यान तुम्हारी किताब में है या मेरे पैरों में? ओह गॉड, मैं कहीं और जाके पढ़ता हूँ। आदर्श, हाय। मुन्नी को कहीं देखा? हाँ, वहाँ बैठे बैठे पैर मार रही है। एनी प्रॉब्लम? नो 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 प्रॉब्लम। ओके, मुन्नी। इंदर, अगर तुम बंटी के बारे में बात करने आए हो तो आज मैं नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनोगी? पाऊजी ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया, वो मुझसे फोन पे बात नहीं करना चाहती, मैं क्या करूं? मुन्नी तुम जानती हो मैं बंटी से कितना प्यार करता हूँ, और वो भी प्यार करती है मुझे, सिर्फ पाऊजी की डर की वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही। जब तुम ये सब कुछ जानते हो तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तुम ये चिट्ठी बंटी तक पहुंचा दो। नहीं इंदर, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी कसम मुन्नी, अगर तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है कि प्यार क्या होता है, प्यार की तड़प क्या होती है, तो तुम ये चिट्ठी बंटी तक पहुंचा दो, वरना मैं ये समझूंगा कि इस दुनिया में प्यार की कदर करने वाले लोग खत्म हो गए हैं। ना तो वो खुद किसी से प्यार कर सकते हैं और ना किसी और को प्यार करता देख सकते हैं। इंदर, मैं तुम्हारी चिट्ठी बंटी तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू मुन्नी, थैंक यू वेरी मच। एनी प्रॉब्लम? यस। टेल मी, टेल मी। आई लव यू। ओह माय गॉड, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओह नो नो नो। जीजा जी। अरे जीजा जी, पहले अभी यार ये क्या कर रहे हैं तू? मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हैं? पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। और पहले आप मनोज थे, अब जीजा जी हो गए, इसलिए पैर पे नहीं। बस बस बस, ठीक है ना यार? और देख, ये शादी से पहले मेरे पाँव नहीं पड़ा करना, मुझे ऐसे लगा कि मैं तुम्हारा ही बूढ़ा हो गया हूँ। ऐसे कैसे बूढ़े हो जाओगे जी, हम आपको बूढ़ा होने देंगे कल। अच्छा बाला कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। जीजा जी, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो जी? हाय कह रहा हूँ, और क्या? हाय। अच्छा जी, मुझे लगा कि कहीं। क्या लगा तुझे? ओए निगोड़े, तू नहीं सुधरेगा, तू अभी भी अपने पैदा होने के 20 साल पहले की दुनिया में जी रहे। तेरी शादी हो जाएगी ना, फिर सुधरेगा तू। बोल, कराओ तू शादी। शादी? मेरी शादी? शादी का मजाक मत किया करो जी आप। अबे तू तो ऐसे शर्मा रहे, तू ही दुल्हन है। देखो ना जी को। मनोज तुम तो पीछे ही पड़ गए उसके। सॉरी सॉरी, देखा तेरी नदाओं में अपनी पत्नी को भूल गया मैं। जीजा जी आप छेड़ो मत जी मुझे। अच्छा अच्छा भाई, कुछ पानी वानी पिलाएगा कि नहीं अपने जीजा जी को? पानी क्या जी, मैं आपको ठंडा पिलाऊंगा, अभी लाता हूँ। अरे सुन, आराम से आना,
कुछ खास प्यास नहीं है मुझे। समझ गया जी, समझ गया। आप मिलके बातें करो, मैं अभी आया। गल नहीं बात नहीं। तुम क्या उठपटांग बातें कर रहे थे उसके साथ? अरे बाबा मजाक कर रहा था, असली काम तो तुमसे। कहो। आज हम फिल्म देखने जा रहे थे। हाँ देखो मैं टिकटें भी लाया हूँ। हाँ। नहीं मनोज, मैं फिल्म देखने नहीं जा सकती। क्यों, क्यों नहीं जाओगी? नागपुर में भी तो जाते थे हम। नागपुर की बात और थी, वहाँ हम सबके साथ जाया करते थे। हाँ तो यहाँ भी सबको साथ ले चलते हैं। नहीं मनोज, पाऊ जी परमिशन नहीं देंगे। क्यों, क्यों नहीं देंगे? हम बाऊजी को भी साथ ले चलते हैं। बाऊजी को? क्या, फिल्म और मैं? हाँ बाऊजी, बचपन में तो आप भी देखते होंगे ना फिल्में। हाँ पुत्र, मैं और अहमद कभी कभी चले जाया करते थे फिल्म देखने। क्या, आप अहमद चाचा के साथ फिल्म देखते थे? क्यों? नहीं, मुझे लगा कि शायद आप मेरी सासू जी के साथ फिल्म देखने जाते हो। सासू जी? हाँ पुत्र, भी उस जमाने में साल साल भर तक हम पत्नी का चेहरा नहीं देख पाते थे। फिल्म देखना तो बहुत दूर की बात है। वाह वाह बाबूजी, क्या जमाना था नहीं वो बाबूजी? पर अभी तो सब कुछ बदल गया है, लोग कितने एडवांस हो गए। अभी तो शादी से पहले ही इकट्ठे घूमना, फिल्म देखना कितनी आम बात हो गई है। पर मुझे तो बाबूजी आप ही का जमाना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ बाबूजी। बाला जी। बाबूजी भैया मनोज को ले जाओ और फिल्म दिखा ला। बाबूजी आप? पुत्र इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। तू मेरे से इजाजत लेने आया था, मैंने इजाजत दे दी। मतलब मैं जाऊं? वो बाबूजी थैंक यू, थैंक यू वेरी मच बाबूजी। पर सर बाबूजी अगर आप भी साथ चलते तो? मैं कहां जाऊंगा, चाहो तो किसी और को साथ ले जाओ। लेकिन लेकिन बाबूजी घर में तो कोई भी नहीं है। तोते स्कूल गई है, मुन्नी कॉलेज गई है और संतोष दीदी ऑफिस गई है। अच्छा तो फिर निगोड़े को ले जाओ। निगोड़ा? जिदारी जिदारी, ओ कहां जा रहे हो जी? शरबत तो पीते जाओ ठंडा ठंडा। अरे नहीं, अब देर हो जाएगी, फिल्म निकल जाएगी। फिल्म? हाँ बाबूजी ने कहा है कि हम फिल्म देखने जाएं और तुझे भी साथ ले जाएं। मुझे भी? और चलो जी फिर तो चलते हैं। चलो जी। यार पर निगोड़े, तुझे फिल्म देखनी तो आती है ना? और बहुत चंगी तरह से जी, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं। अच्छा कौन कौन सी? डाकू गब्बर सिंह, डाकू मान सिंह, डाकू जग्गा तेरे टूटे टूटे कर दियोगे। अरे पर निगोड़े, हम लोग डाकू की नहीं, हम लोग लव स्टोरी देखने जा रहे हैं। लव स्टोरी? हाँ। जीजाजी वो भी की देखने वाली फिल्म होती है। उसमें क्या होता है जी, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, दोनों का आपस में प्यार रहता है, दोनों मिल जाते हैं, फिर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, दोनों बिछड़ जाते हैं और लास्ट में फिर मिल जाते हैं और दी एंड। चलो जी आपके कहने पे आज मैं चल पड़ता हूँ आपके साथ। चलो चले। और जीजाजी अब मुझे धोखा देकर चले गए? जा जी जाओ, वैसे भी मुझे लव स्टोरियां पसंद ही नहीं है, ऐसी ट्रेजेडी होती है लास्ट में। गल नहीं बात नहीं। ये ले, क्या है ये? चिट्ठी है, इंद्र ने दी है तेरे लिए। तूने ली क्यों? मना कर देती, किया था पर वो नहीं माना, जिद करने लगा और मुझसे उसकी तरफ देखी नहीं गई। लेकिन तूने चिट्ठी लेते समय ये नहीं सोचा कि इसे पढ़कर मेरा क्या हाल होगा? नहीं मुन्नी, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी, तू कल इसे वापस दे देना। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? पोस्ट मार, पढ़नी है तो पढ़, नहीं पढ़नी तो मत पढ़, मैं जा रही हूँ।
तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। फिर तू क्यों रूठ गई है मुझसे? मैं जानता हूँ बाबूजी को हमारा रिश्ता पसंद नहीं है, हमारा मेलजोल पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मुझसे बात करना ही छोड़ दे। बंटी, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने डैडी मम्मी से झगड़ सकता हूँ, तुम्हारे बाबूजी के पाँव पड़ सकता हूँ, पर उससे पहले तू मुझे इतना जवाब दे दे कि मेरे लिए तेरा प्यार कम तो नहीं हुआ ना। बोल बंटी, तू मुझे उतना ही प्यार करती है ना जितना पहले करती थी? बंटी, फोन है तेरे लिए। किसका है? उसी का जिसकी चिट्ठी के टुकड़े तू जोड़ के पढ़ रही है। मुझे नहीं बात कर दी, ये ले। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं जा रही हूँ। जिस तरह से मेरे जाने के बाद तूने चिट्ठी के टुकड़े जोड़ के पढ़े हैं ना, उसी तरह फोन फेंकने के बाद उठा लेना। हेलो। हेलो बंटी, शुक्र है तुमने फोन उठाया। बंटी, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। बोलो बंटी। बंटी प्लीज खामोश मत रहो, बोलो, मुझे जवाब दो। बंटी, तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे पहले से ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन यही बात मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो बंटी, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बंटी प्लीज खामोश मत रहो, बोलो, एक बार जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, मैं करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ बंटी, पहले से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू बंटी, थैंक यू वेरी मच। मामा बंटी, अगर तू समझती है कि फोन पर मीठी मीठी बातें करके मेरे बेटे को भरमा सकती है, तो ये तेरी गलत फहमी है। मामा, मेरी बात चुप रहे। और आइंदा इस घर में कभी फोन मत करना, अगर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मामा, आपने बंटी से ऐसी बातें क्यों की? फोन उसने नहीं, मैंने किया था, आज भी और पहले भी। क्यों किया था? हाँ, मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी? अरे क्या रखा उस लड़की में? उस लड़की में वो सारी खूबियां हैं मामा, जो मेरी पत्नी में होनी चाहिए। लेकिन उसमें वो खूबियां नहीं है जो मेरी बहू में होनी चाहिए। जिंदगी मुझे काटनी है मामा। जिंदगी भले तुझे काटनी है, लेकिन तेरी जिंदगी पर हमारा हक भी है। और मैं लाला लाहौरी राम की लड़की से तेरा रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। अगर आपकी यही जिद है मामा, तो बहुत जल्द आपको आपका दूसरा बेटा भी खोना पड़ेगा। इंदर, इंदर, देखा देखा आपने कितनी आसानी से मां और बेटे के रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे गया? पता नहीं क्या जादू कर रखा उस लड़की ने। गायत्री, ये उम्र होती ही ऐसी है, अब गुस्से से तो हालात बिगड़ ही जाएंगे। अब वो फोन पे बात कर रहा था तो तुम उसे प्यार से समझा सकती थी। हाँ हाँ, अब आप भी उसी की हिमायत कीजिए। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अरे मैंने ये उम्मीद तो नहीं की थी कि मेरे दोनों बेटे मेरे दुश्मन बन जाए। नहीं गाय, ये तुम्हारी गलत फहमी है। न बेटे माँ के दुश्मन बन सकते हैं और न माँ बेटों की। हाँ, इंदर ने आज पहली बार ऊंची आवाज में बात की हमारे सामने, अफसोस हुआ, पर कुछ कर नहीं सकते, हालात ही कुछ ऐसे हुए। हाँ, चंद्र का ये घर छोड़ के जाना उसका अपना फैसला था, पर अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो उस हालात के जिम्मेदार कुछ कुछ आप भी थे। गायत्री, ये जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चे ही गलत हो, कभी कभी माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, पर उसका यह मतलब नहीं कि गुस्से में आकर घर की शांति भंग कर दी जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, अब तुम चिंता मत करो, मैं इंदर से बात करूंगा, देख लेना, वो तुमसे माफी भी मांगेगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। मगर जरा प्लीज,
प्यार से। गायत्री आंटी ने तुझे इतना कुछ कहा और तूने कुछ भी नहीं कहा। अरे बुद्धू, क्या बोलती है उनसे? गायत्री आंटी कितनी बड़ी हैं। उसने कुछ नहीं कहा, पर इंदर तो कह सकता था ना अपनी मम्मी से। तोते, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? क्यों बंटी को तंग कर रहे हो? हाँ दीदी, हम तो बस ऐसे ही उसे। हम तो कुछ नहीं। चलो चुपचाप जाके सो जाओ। मुन्नी, तुम भी सो जाओ। चलो बंटी, तू भी सो जा। देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी ने जो कुछ भी कहा होगा सब गुस्से में कहा होगा। लेकिन दीदी, उन्होंने तो इंद्र को भी बहुत डांटा होगा ना? शायद, लेकिन मम्मी दिल की बहुत अच्छी है। बंटी, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो माफी जरूर मांगेंगे, तुझसे भी और इंद्र से भी। चल, बहुत रात हो गई, सो जाओ। मैं पूछता हूँ कौन है, बोलता क्यों नहीं? निकोड़े, मैं हूँ इंदर। आप? ओए, आप घर के से? मैं बंटी से मिलने आया हूँ। ओ, ओ ये क्या कर रहे हैं जी आप? ओ, आपको पता नहीं है भौजी कितने नाराज हैं आपसे, और आपको अगर यहाँ पे देख लिया ना इस वक्त तो आपका पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? जान ले लेंगे ना। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं आज बंटी को मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जा बुला उसे। वो ऐसे कैसे बुला दूं जी? आपको पता बाबूजी को आपका बंटी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुझे तो है ना, तू तो हमारे प्यार का दुश्मन नहीं है। मैं देखिए बोली, जितना प्यार मैं बंटी को करता हूं ना, उससे ज्यादा प्यार बंटी मुझसे करती है। जितना मैं तड़प रहा हूं उसके लिए, उससे ज्यादा बंटी मेरे लिए तड़प रही होगी। बहन कहता है ना उसे, तो पता क्या तू अपनी बहन को रोता हुआ देख सकता? क्या तू उसे तड़पता हुआ देख सकता? बता। हाँ जी हाँ, मैं उसको रोते हुए भी देख लूंगा, उसको तड़पते हुए भी देख लूंगा। मैं समझता हूं जी, जितना प्यार आप बंटी को करते हो उतना ही प्यार बंटी भी आपसे करती है। मगर मैं आपको उससे नहीं मिला सकता जी। मैंने इस घर का नमक खाया है और बाबूजी को मैं अपने पिता समान समझता हूं। उनकी मान मर्यादा की रक्षा करना मेरा तरह है। इसलिए आपको रब का वास्ता है, आप चले जाओ यहां से। और इस घर की दलील पर तब तक कदम ना रखना जब तक बाबूजी आपको इस बात की इजाजत ना दे दें। वाह, मुझे लगा था कि इस घर की बेटियों को तुम अपनी बहन की तरह समझते हो, बहुत प्यार करते हो तुम उनसे। लेकिन नहीं, मैं गलत था निगोड़े, क्योंकि तुम स्वार्थी हो। तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी से प्यार है। तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझे बंटी से मिला दिया तो बाबूजी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए डरते हो तुम। हाँ जी हाँ, मैं डरता हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। लेकिन सबसे बड़ा डर मुझे इस बात का है कि अगर बाबूजी ने आपको बंटी के साथ यहाँ देख लिया ना, वो आपको कुछ कहे ना कहे मगर मेरी बहन बंटी का गला जरूर काट देंगे। बुरे? हाँ जी, इसलिए आपसे रब का वास्ता, मेरी बहन बंटी को बाबूजी के गुस्से से बचा लो। मैं आपके पांव पड़ता हूं। मुझे माफ कर दिया, मैं न जाने गुस्से में क्या क्या कह जाता हूं। I'm sorry। देख, कुछ नहीं होगा तेरी बहन को, कुछ नहीं होगा मेरी बंटी को, सुना तूने? मैं जा रहा हूं। इंदर, बंटी मुझसे मिलकर भी नहीं जाओगे? बंटी, बंटी, इधर बंटी।